हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमारे सीरीज में हम लोग ने 9 के चैप्टर स्टार्ट किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो उसके न्यूमेरिकल्स पार्ट जो हमें करने हैं आज, एंड बहुत सारे कमेंट भी आ गए हैं उसे लेकर, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल करते वक्त हमें कुछ फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। एंड फॉर्मुलेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वन है मिरर फॉर्मुला, विच इज 1/f = 1/v + 1/u, वेर एफ इज फोकल लेंथ, सी फोकल लेंथ। हमारे दो टाइप के मिरर थे, एक था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स, राइट। सो फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव इज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वी इज इमेज डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मुला। यहाँ पे मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मुले हैं हमारे पास। One is m = -v/u and other is m = h2/h1. तो यहाँ पे याद रखना m = -v/u, this depends on the distance of image and object and other magnification depends on the height of image and object, right? यहाँ पे जो हम बात करते हैं फॉर्मुले में, तो यहाँ पे याद रखना माइनस टर्म आता है when we talk about m = -v/u, but यहाँ पे माइनस नहीं आता, ये दो चीज तुम्हें याद रखनी है। एंड इन्हीं दोनों फॉर्मुले को कंबाइन करके वी गेट दिस फॉर्मुला। सिंस इन दोनों फॉर्मुले में LHS दोनों का इक्वल है MM, सो RHS भी हम इक्वेट कर देंगे एंड वी गेट दिस फॉर्मुला, दैट इज -v/u = h2/h1, राइट। तो इन फॉर्मुलेस को लेकर आज जो हमारा पूरा सीरीज करेंगे, हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इवन दो आई एम गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विच इज इन योर सॉल्व न्यूमेरिकल्स, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तीन प्रॉब्लम्स, और जो एक ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है तीनों को, राइट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फोर न्यूमेरिकल्स विच इज गिवन इन योर 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। थैंक यू। सो वेल, स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट प्रॉब्लम से हमारा जो है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल जो भी हमने फॉर्मुलेस थे वो यूज होने वाले मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहला सॉल्व एग्जाम्पल है आपके बुक में, हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है राजेश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 cm, राइट। तो राजेश्री को एक इन्वर्टेड मतलब मैंने लास्ट में पढ़ा था कि एक उल्टा इमेज चाहिए जिसका हाइट कितना हो 5 cm। तो इमेज बोल रहे हैं, तो इमेज का हाइट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, दिस सॉल्व एग्जाम्पल। सो राजेश्री वॉन्ट टू गेट एन इमेज ऑफ हाइट 5 cm, इमेज मतलब h2 जिसका हाइट कितना होगा 5 cm। बट सी द इमेज विच इज फॉर्म इज इन्वर्टेड, राइट। इन्वर्टेड मतलब वो नीचे मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका जो डिस्टेंस होगा हमने साइन कन्वेंशन में किया था, तो डिस्टेंस जो इसका हम लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव। सी आपके बुक में टेक्स्ट बुक में डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं करेंगे, दे विल ओनली मेंशन दैट द ऑब्जेक्ट इज केप्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर एंड हमने तो जैसे पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, बट जो इमेज फॉर्मेशन है वो कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ, और सबसे बड़ी चीज देखिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइप का मिरर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम बहुत सारे डेटा इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है राजेश्री वॉन्ट टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 cm। अब इन्होंने इन्वर्टेड इमेज कहा है, इसका मतलब इमेज उल्टा मिलेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेगा। तो लेट से मुझे ये मिला 5 cm का। ओके, नेक्स्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 cm, तो ये उसके लिए मिल रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट हमने 30 cm दूर रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज केप्ट एट 30 cm। बट अगेन मैंने आप सबको बताया था ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होती है वो सारी नेगेटिव होती है, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा मिरर है। अभी हमने इन्होंने कौन सा मिरर कहा है, सो कॉनकेव मिरर बोला, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर मतलब जिसका आउटर पार्ट क्या होगा यहाँ पे कोटेड होगा और इनर पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। लेट से ये इसका फोकल लेंथ हो गया और ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्हें ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट जो है 5 cm है। अब इमेज कहाँ बन रहा है अभी वो हमें पता नहीं है, बट इन लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 cm। अब देखते हैं इसका फोकल लेंथ दिया है कि नहीं। ओके, सो इन लोगों ने ठीक है बताया है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 cm। देखो एफ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया है 10 cm, और जैसा मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो मिरर का होता है कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, राइट, कॉनकेव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ 10 cm है वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस हमारा कितना होगा 10, कितना होगा 10। तो ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 cm, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है,
तो ये डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि पॉइंट से हम ओरिजिन बनाते हैं, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इस साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी तो जाके साइन कन्वेंशन वाली पिछला वीडियो देखो और उसके बाद आपको ये बहुत मतलब ये जो प्रॉब्लम है अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है हाउ टू कैलकुलेट द साइन कन्वेंशन, ठीक है। हालांकि मैंने पूरा चैप्टर ही सिखा दिया है। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर अगर ये 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे हो जाएगा। तो 30 मतलब इसके भी पीछे सपोज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने मान लिया, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड सी प्लेस अ स्क्रीन, ओके। सो वॉट विल बी द टाइप ऑफ इमेज एंड वॉट इज द हाइट ऑफ इमेज, ओके। तो इन लोग कह रहे हैं कि हम स्क्रीन को, अब ऑब्वियसली इमेज मुझे इन्वर्टेड मिलेगा तो स्क्रीन हमें कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, कि जहां पे हमें इमेज मिले। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस। मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा। और जैसा कि हमें पता है इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होगा, तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए, ओके। इसके बाद फिर इन लोगों ने पूछा है कि क्वेश्चन में व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज, सो इमेज का जो है टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ इमेज बताना है, मतलब वो हाईली डेमिनिश्ड है, जो हमने लास्ट टाइम किया था सारा, ठीक है। तो हाईली डेमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाईली डेमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, वो हमें पता चलेगा बाय नोइंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें साइज ऑफ इमेज तो पता है ना 5 सेंटीमीटर, राइट। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता चल जाए, अगर वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमेज का हाइट छोटा है। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 5 से कम हुआ, इसका मतलब इमेज का हाइट जो हमें है वो बड़ा है, तो उससे हम पता चल जाएगा कि वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है। तो हमें यहाँ पे निकालना है H1, ओके। सो ये दो चीजें हमें यहाँ पे है जो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सो एज वी नो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी, तो वी कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यू भी है एफ भी है, तो मैं वी यहाँ पे डायरेक्टली मिरर फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। सो 1/f = 1/v + 1/u। सिंस आई नो माई फोकल लेंथ एंड यू, तो वी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे हमारा, -10। सो 1/-10 = 1/v, v इज अननोन, +1/u, u कितना -30। तो 1/-30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पे, 1/-10 = 1/v - 1/30, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, ओके। टेक दिस वैल्यू दिस साइड, सो व्हाट आई गेट हियर 1/-30 यहाँ पे +30 हो जाएगा, 1/30, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1/-10, ठीक है। तो ये माइनस नहीं था, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं = 1/v। तो अब इसे सॉल्व करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ वी। तो लेट्स सी क्या मिलता है मुझे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 - 30, सो 10 - 30 डिवाइड बाय 3 × 10, दैट इज 300 = 1/v। कितना मिलेगा ये, 10 - 30 इज -20 डिवाइड बाय 300 = 1/v। देखो मुझे यहाँ पे v फाइंड आउट करना है, 1/v फाइंड आउट नहीं करना है। तो इसे इनवर्टेंडो कर दो। इनवर्टेंडो मतलब क्या होता है, नीचे की वैल्यूज ऊपर जाएगी और ऊपर की सारी वैल्यूज नीचे आ जाएगी, एंड इनवर्टेंडो बोथ द साइड करेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 300 डिवाइड बाय -20 = v/1, एंड v/1 इज नथिंग बट v ओनली, ठीक है। ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, 2 × 1 = 2, 15 × 1, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, v = मैं v डायरेक्टली कैंसिल लिख रहा हूं, -15 cm, राइट। तो हमें यहाँ पे v मिल गया है, और v कितना मिला है, -15। देखो माइनस हमारा ऑलरेडी था, हमने माइनस कहीं से लेके नहीं आया, माइनस का साइन आना मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें इमेज भी जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है नेचर। तो नेचर के लिए मुझे H1 निकालना होगा। H1 के लिए मैं कौन से फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट, m = h2/h1। व्हाट इज माय h2, h2 इज -5, ओके, -5 डिवाइड बाय, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है,
तो उसका वैल्यू हमें हमेशा कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी, ओके अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें एम नहीं पता है, मैग्निफिकेशन नहीं पता, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला राइट। अभी हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें पता नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई राइट हियर माइनस वी बाय यू, ओके माइनस वी बाय यू लिख देते हम। सो व्हाट आई गेट हियर सी, ओके सो माइनस वी बाय यू इक्वल्स टू एच टू बाय एच वन, तो माइनस वी, तो वी तो मुझे मिल गया कितना 15, तो देखो ऐसा यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा राइट, ये माइनस एक बार है तो ये माइनस नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं करना, जो जहां पे हमसे वही रहना, तो माइनस वी का वैल्यू है माइनस 15 डिवाइड बाई यू, यू इज हाउ मच माइनस 30, माइनस 30 इक्वल्स टू एच टू बाय एच वन, तो एच टू कितना है माइनस 5, माइनस 5 डिवाइड बाय एच वन। अब हमें एच वन कैलकुलेट करना है एच टू, तो ये बाकी अगर मैं बाकी वैल्यूज को वहां लेके जाता हूँ, एच वन को यहाँ लेके आता हूँ, तो ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर, पहले बात तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक माइनस और ये एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच वन यहाँ आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो, यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एच वन इंटू माइनस 15, माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 30, माइनस 5 इंटू 30, ठीक है। अब मुझे एच वन चाहिए, इसको भी यहाँ लेके जाओ, सो एच वन इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 30 डिवाइड बाय माइनस 15, अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सी अगर यहाँ पे प्लस होता डायरेक्टली माइनस कैंसिल नहीं होता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट द माइनस का, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, 5 3 जा 5 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 5 2 जा कितना आ रहा है मुझे 10, सो एच वन कितना मिला 5 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर, और एच वन देखो मुझे वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। So this is my H1. So from this, what I can say कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है, सो ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन इमेज साइज, दैट मीन्स द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट राइट, इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो कैसा है, डेमिनिश है, स्मॉल है, डेमिनिश मतलब स्मॉल या वेरी स्मॉल वी कैन से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था सॉल्व एग्जाम्पल का, विल स्टार्ट विद न्यू प्रॉब्लम, ठीक है, स्क्रीन शॉट। सो वेल स्टार्टिंग विद द न्यू थिंग दैट इज एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हमारा है, तो उसमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 जो टेक्स्ट बुक में दिया है हमारे। सो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट एन डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके। तो फिर से इन लोगों ने जो है कॉन्केव मिरर का एक कॉम्बिनेशन लिया है, तो हम भी कंज्यूम कर रहे थे, लेट से ये कॉन्केव मिरर है, ओके एंड ये इसका जो हो गया फोकस ले लिया और ये ले लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमें इतना पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जो होता है हाफ डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे देखो क्या क्या कहा है, ऑब्जेक्ट हाइट मतलब हमें दिया है h1, ठीक है, सो हमें गिवन लिखना है सबसे पहले, तो गिवन क्या दिया हमें h1 दिया है कितना 7 सेंटीमीटर राइट, सो इट इज 7 सेंटीमीटर, सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो वो पॉजिटिव ही होगा। इस कैप एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब f जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर राइट, बट ये माइनस होगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये अगर 15 है तो ये कहां पे होगा, तो दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट 30 राइट, 30 क्यों, क्योंकि उसका डबल होगा वो फोकल का, एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 25, तो 25 मतलब समवेयर हियर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है अबव प्रिंसिपल एक्सिस एट 25 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पहले ही रखा है, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम डेटा लिख देते हैं, सो एफ दिया है हमें माइनस 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया, सिंस ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड, सो उसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना माइनस 25 दिया है ना, तो दिस इज माइनस 25 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट फोकल लेंथ हो गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज, तो हमें फाइंड आउट करना है वी,
तो हमें किस पॉइंट पे जो है क्लियर इमेज मिलेगा, मतलब हमें कहाँ पे स्क्रीन रखनी है, सो दैट टू स्क्रीन ऑब्वियसली इस पूरे पोजिशन में हम कहाँ पे रखेंगे, सो दैट मुझे जो क्लियर इमेज मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला है व्हाट बी द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज, तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो उसके लिए हमें एच टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंस एच वन हमें पता है, अगर एच टू पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा मतलब जो है बड़ा है इमेज से, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो मुझे मिलेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या स्मॉल है, क्योंकि मुझे भी इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज तो पता है, तो ऑब्जेक्ट साइज 7 है, तो इमेज साइज एक बार अगर मुझे पता चल जाए, सो दैट वी कैन कंफर्म वेदर इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि वो लार्ज मैग्निफाइड इमेज है या डेमिनिश है, ठीक है। तो वो करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वो करने से पहले लेट्स सी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है v, तो अगेन हम वही फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, राइट। सो f कितना दिया हमें, -15, ठीक है। पहले हम u को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो 1 अपॉन f माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन v बराबर, ये प्लस 1 अपॉन u था, यहाँ आके माइनस 1 अपॉन u हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, सो 1 अपॉन -15 माइनस 1 अपॉन u, u कितना है -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 अपॉन v, राइट, ओके। बाकी की चीजें लिख दो, इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, सो यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 25 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 इंटू 25, तो 15 इंटू 25 हाउ मच आई गेट, सो यहाँ पे कर देते 15 इंटू 25, 5 5 25, 1 कैरी, 5 जा 5, 8 6, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 8 3, तो हमें मिलेगा 5 6 3, राइट, 365, तो आंसर हमें मिलने वाला है 365, तो 365 और माइनस साइन है, माइनस इनटू दिस, तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन v, इक्वल्स टू 1 अपॉन v, राइट। अभी हमें देखो क्या चाहिए, यहां पे v कैलकुलेट करना है, पहले इनको सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट करके हाउ मच यू गेट, यू विल गेट 10, राइट, सो 5 5 25, 5 कैरी, हमें यहां पे 2 आएगा, मैंने चीज बदल दी, 525 2 कैरी, फिर 5 1 जा 5, 6 7 होगा ये, यहाँ पे हमें 7 मिलेगा, सॉरी 375 होगा ये, ठीक है, तो 375 होगा, तो 10 डिवाइड बाय 375 माइनस 375 माइनस 375 इक्वल्स टू 1 अपॉन v, इसे इनवर्ट एंडो कर दो बोथ साइड, सो दिस विल बी माइनस 375 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू v, v अपॉन 1 इज v, तो आप देखो डिवाइड बाय 10 है, तो क्या करना है, पॉइंट को सीधा पीछे शिफ्ट कर देना, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये v equals to minus 37.5 सेंटीमीटर, तो ये हमें क्या मिल गया है, v मिल गया है। देखो अगर नीचे 10 है तो दिस वैल्यू इज हाउ मच, 375.0 है, तो इसे हमें क्या करना है, 10 है डिवाइड, तो पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है, 100 हो तो पॉइंट को हम 2 टाइम पीछे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे v मिल गया है, माइनस माइनस मतलब वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, राइट, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है h2, सो h2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फिर से फिलहाल हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्योंकि v u h1 पता है, तो h2 डायरेक्ट भी मिल जाएगा, सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज फॉर्मूला माइनस v बाय u इक्वल्स टू h2 बाय h1, तो v कितना है अभी यहाँ पे हमारा, तो v हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, अभी कैलकुलेट किया है, माइनस माइनस 37.5 डिवाइड बाय u कितना है हमारा, यहाँ पे u है हमारे यहाँ पे माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू एच टू बाय एच वन, तो एच टू हमें पता है, नहीं पता, एच टू तो हमें कैलकुलेट ही करना है, सो एच टू डिवाइड बाय एच वन, एच वन कितना हमारा 7। देखो एक चीज याद रखनी है हमें, कि हमें जो एच टू का वैल्यू होगा वो नेगेटिव मिलना चाहिए, क्यों नेगेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है, तो इसका जब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस से पॉइंटेड होगा, सो दैट द डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव आना चाहिए हमें, ठीक है, सो एच टू बाय 7, 7 को यहाँ लेके आ जाओ, पहली बात तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, सो व्हाट आई गेट हियर,
माइनस 37.5 इंटू 7 यानी बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू एच टू। देखो ये नेगेटिव मिलने वाला है, 5 5 5 7 35 2 carry 5 5 25 ठीक है 5 1 5 1 5 2 carry 5 5 25 तो मिला मुझे कितना माइनस 1.5 इंटू 7 इक्वल्स टू एच टू इसे मल्टीप्लाई कर दो 7 5 35 3 carry 7 1 7 और ये 3 10 तो आंसर है 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एच टू इज 10.5 सेंटीमीटर। ये हमें एच टू मिल गया और अच्छा नेगेटिव होगा, माइनस साइन है यहाँ पे, चेक करते आंसर सही है या नहीं। ओके अच्छा सही है हमारा, सो योर एच टू इज माइनस 10.5 सेंटीमीटर। सी आपके टेस्ट बुक मैंने पहले बताया है वो नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन नहीं करेंगे, बट आपको दिखाना है। तो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट योर इमेज इज इनवर्टेड, इमेज इज इनवर्टेड ठीक है, एंड इनवर्टेड एंड रियल इमेज, इनवर्टेड एंड रियल इमेज। तो यहां पे लिख दो इमेजेस रियल ठीक है। ये सारी चीजें कैसे हम बोल रहे रियल है इनवर्टेड, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन रे डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम में ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। वेल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज क्वेश्चन नंबर 5B। सो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर ठीक है। तो मिरर चेंज होगा, कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, सो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर। एंड ऑलवेज रिमेंबर कॉन्वेक्स लेंथ इज अ फोकल लेंथ पॉजिटिव, व्हाई? बिकॉज़ कॉन्वेक्स लेंथ जो है वो आउटर साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर साइड से पोर्टेड होता है ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ जो हम लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज का फोकल इस साइड बनता है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, देयरफॉर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव राइट। तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन लोग कह रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है इस मिरर के सामने, वो इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट से हाफ है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एच वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी सो इसे हम लेते हैं एच वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच टू इज हाइट ऑफ इमेज ठीक है। एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दूसरा हाइट ऑफ इमेज है ठीक है। सो इन लोगों ने क्या कहा कि जो इमेज का हाइट है दैट इज एच टू इज हाफ ऑफ एच वन, मतलब वो एच वन का हाफ है ठीक है। इसको सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एच वन बाय टू। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है। आगे वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो सिंपल है, आपको डिस्टेंस पता करना है, ऑब्जेक्ट को मैं कितने डिस्टेंस पे रखूंगा मिरर के तब ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आपको निकालना है u, बहुत सिंपल है u निकालना है। तो देखो u निकालना है और तुम्हें क्या दिया गया है h2 और h1 का रिलेशन दिया है, h2 h1 का रिलेशन दिया है ठीक है, और तुम्हें फोकल लेंथ बताया है। तो अब इनमें से हम कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने के लिए अल्टीमेटली मेरे पास u निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, या तो एक ये फॉर्मूला है, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में u आता है, एक u यहां पर है, एक u यहां पर है, एक u यहां पर है। तो यहां पे हम कौन सा जो है रिलेशन यूज करेंगे इसमें, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज करनी है कि हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे ठीक है। नहीं तो पहले हम अच्छा ये वाले फॉर्मूले से हम u निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमें f पता है, खाली अगर v पता चल जाए तो v मैं यहां से निकाल लेता हूं ठीक है, या फिर मैं v का रिलेशन ले लेता हूं इन टर्म्स ऑफ u ओके। तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सिंस तो सॉल्यूशन लिखते हैं अभी, तो माइनस v बाय यू इक्वल्स टू एच टू बाय एच वन राइट, ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो इसमें मुझे एच टू बताया है, एच टू क्या है मेरा एच वन बाय टू है ना, एच टू इज हाफ ऑफ एच वन, तो एच टू की जगह लिख सकता हूं एच वन बाय टू। सो ये ऐसा हो जाएगा माइनस वी बाय यू इक्वल्स टू एच वन बाय टू, ये मैंने एच टू का भी लिखा, इन टू एच वन राइट, एच वन तो ऑलरेडी था, एच वन एच वन क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो एच वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों हो गए कैंसिल, बचा क्या वन बाय टू। मुझे क्या चाहिए था, वी का रिलेशन चाहिए था इन टर्म्स ऑफ यू राइट। तो मैं क्या करता हूँ टू को यू को वहां लेके जाता हूँ,
तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो, तो व्हाट आई गेट हियर इज माइनस वी बाय यू इक्वल्स टू वन बाय टू, यू को वहां लेके जाओ, यहाँ डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट माइनस वी इक्वल्स टू यू बाय टू, बराबर माइनस को वहां शिफ्ट कर दो, सो वी का वैल्यू मिल जाएगा माइनस यू बाय टू। ओके, अब मुझे वी मिल गया है, हमें जो है वी मिल गया है, इसे मैं लिख देते हैं। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंस मुझे वी पता है, यू फाइंड आउट करना है और एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, मुझे यू कैलकुलेट करना है, एफ कितना है 18 है, सो वन अपॉन 18 इक्वल्स टू वन अपॉन वी, सी वी क्या है माइनस यू बाय टू, तो माइनस यू बाय टू प्लस वन अपॉन यू, ये टू ऊपर चले जाएगा, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा वन अपॉन 18 इक्वल्स टू टू अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन यू। ओके, नाउ सी इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो व्हाट आई विल गेट हियर इज हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा वन अपॉन 18 इक्वल्स टू, तो सी अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बेस कॉमन है, बेस कॉमन है तो ऊपर के टर्म्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये माइनस टू है, ठीक है, सो माइनस टू, तो माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, सो माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय यू, ठीक है, बेस कॉमन था तो बेस मैंने सिंगल लिख दिया, माइनस टू प्लस वन विल गिव यू माइनस वन, तो वन अपॉन 18 इक्वल्स टू माइनस वन डिवाइड बाय यू, ठीक है, इसे क्या कर दो, इसे इनवर्टेंडो कर दो, इनवर्टेंडो कर दो तो मिलेगा क्या 18 इक्वल्स टू माइनस यू, ठीक है, तो हमें यू की वैल्यू मिल गई कितना 18, सो आई विल राइट यू इक्वल्स टू माइनस 18 सेंटीमीटर, एंड जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नेगेटिव मिल रहा है, देखो नेगेटिव मिला है मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 18 सेंटीमीटर दूर होगा, कहां से, पोल से, 18 सेंटीमीटर दूर होगा पोल से, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, थर्ड नहीं सेकेंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है, इजी, स्क्रीनशॉट ले लो, सो वेल लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 का या इस चैप्टर का हम कहेंगे, तो क्वेश्चन ये है अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो अगेन कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर मतलब जिसका आउटर साइड होगा रिफ्लेक्ट कोटेड, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक है मतलब उसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टिक का, सो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसके सामने एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक रखी हुई है, तो मतलब हमें हाइट दिया है स्टिक का h1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं h1 कितना है 10 सेंटीमीटर, सिंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, आउटर साइड कोटेड है मतलब ये हमारा कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसका जो है नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इन लोगों ने कहा है हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमें दिया है विच इज 10 सेंटीमीटर, बट फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, याद रखो फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, एग्जाम में गड़बड़ मत करना इसमें, नहीं तो बहुत सारे बच्चे फोकल लेंथ नहीं गड़बड़ कर देते और पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट इन सच अ वे दैट द एंड ऑफ द स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल इज एट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये जो एंड है स्टिक का ये इसका पोल से जो डिस्टेंस है बता रहे हैं कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो चलो और माइनस होगा तो यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना है माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्या बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है ओके इसके काम हो गया, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, तो अभी हमें इमेज का लेंथ चाहिए, दैट मींस जो इमेज फॉर्म होगा उसका हाइट कितना होगा, दैट इज मुझे चाहिए यहाँ पे एच टू। ओके सो विच फॉर्मूला आई कैन यूज हियर, राइट, देखो मुझे एच वन पता है, एफ पता है, यू पता है, एच टू चाहिए, साफ साफ हमें दिख रहा है कि इस फॉर्मूले में एच टू निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम आता है हमें वी नहीं पता है, तो वी निकालेंगे, देखो एफ पता है, यू पता है, एफ पता है, यू पता है, वी यहां से निकल जाएगा, तो पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं v निकालने के लिए, राइट, सो सॉल्यूशन पार्ट लेते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, 1 अपॉन u को इस साइड लेके आ जाओ, ये v चाहिए, सो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन v,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ कितना है -10, यू कितना है -20, सो 1/-10 -1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो व्हाट आई गेट हियर, हमें क्या मिल जाएगा अभी, सो 1/-10 + 1/20 इक्वल्स टू 1/V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 - 10 - 200 इक्वल्स टू 1/V, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, अब यहां पे देखो जो है ये हमें कितना दे देगा, 10 - -200 इक्वल्स टू 1/V, एज यूजुअल अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1/V नहीं चाहिए, हमें V चाहिए, तो इनवर्ट एंडो कर दो, सो व्हाट आई गेट, -200 / 10 इक्वल्स टू V, 0 0 कैंसिल, बचा कितना 20, तो V कितना मिला मुझे -20 cm, राइट, तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया, और जाहिर सी बात है माइनस आना चाहिए, माइनस क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल अगर अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट अगर फ्यूचर में अगर आप जाओगे तो साइन कन्वेंशन जो है ऑप्टिक्स में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, फ्यूचर में मतलब आगे की फर्दर स्टडीज में, 10th में या 10th के बाद, ओके, अब हमें V मिल गया है, V के बाद अभी हमें निकालना है H2, ओके, H2 के लिए सिंपली ये फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है हमारा, -V/U इक्वल्स टू H2/H1, देखो हमें चाहिए क्या, H2, H1 को सीधा यहां लेके आ जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, -V/U इंटू H1 इक्वल्स टू H2, अब वैल्यूज पुट कर दो, V कितना है, V मिल गया -20, सो माइनस ऑलरेडी है, -20 / U, U is also -20, तो ये भी हो गया -20 इंटू H1, H1 इज हाउ मच, 10, तो लिख दो 10 इक्वल्स टू H2, ओके, तो -20 - 20 कैंसिल, बचा क्या, -1 - 10 इक्वल्स टू H2, तो इन -1 - 10 इज नथिंग बट -10, सो -10 इक्वल्स टू H2, देयरफॉर योर हाइट ऑफ द इमेज इज -10 cm, ओके, सो हाइट ऑफ इमेज मिल गया, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, कितना उसका हाइट होगा, हाइट विल बी -10 cm, दैट्स इट, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरी है अगर इसको लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, थैंक यू वेरी मच, और जल्दी हम जो है साउंड चैप्टर का वीडियोस बनाने वाले हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक अ स्क्रीनशॉट।